हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीशान वुड प्लैनेट। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने एक सोफ़ा कम बेड बनाया है और आज मैं आपको इस सोफ़ा कम बेड की पूरी डिटेल बताऊंगा कि हमने कौन सी चीज़ किस साइज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो में बना रहिए आखिर तक और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत आसानी से एक सोफ़ा कम बेड बना सकते हैं। दोस्तों ये ए वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने दराज बनाई है, ये खुलने के बाद 22 इंच रहेगा, लेकिन एक्चुअल दराज का साइज़ जो है ये 23 इंच है। और ये बी वाला पार्ट जो है ये भी 22 इंच ही दिखेगा ओपन होने के बाद, लेकिन ये 26 इंच में बनाया है मैंने। और ये सी वाला जो पार्ट है ये मैंने 28.5 इंच का ही टॉप रखा है। ये मैंने दोनों साइडें और बैक साइड में जो 0.25 इंच की प्लाई लगाई है इस पर फिक्स किया है बॉर्डर लगाकर। अब इसकी टोटल लंबाई जो है 72.5 इंच हो गई है। दोस्तों इस दराज के ऊपर मैंने जो ढक्कन लगाया है वो 0.25 इंच प्लाई में लगाया है, और उसके बाद जो बी वाला पार्ट है उस पर मैंने 0.5 इंची का ढक्कन लगाया है। वो मैंने दो सूत का फ़र्क इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों हमने जो दराज बनाई है वो बी वाले पार्ट से दो सूत नीचे करके रखी है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आगे ये दराज के ऊपर 0.25 इंची का ढक्कन रखा है। जब हम इस ढक्कन को खोलेंगे तो ये दोनों हमारे ढक्कन जो है एक लेवल हो जाएंगे, जिससे हमारा एक साइज़ का गद्दा आ जाएंगे दोनों पे। और ये मैंने बाहर वाले सी वाले टॉप से भी बी वाला पार्ट जो है ये 0.5 इंच नीचे रखा है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी साइडों का साइज बताता हूँ। दोस्तों मैंने इसकी साइड जो है 3 फीट ऊंची रखी है, जिसमें मैंने 18 इंच तक इसका हत्ता बना दिया है। बाकी 18 इंच में ऊपर से मैंने इसमें ये डिजाइन काट दिया है। बाकी इस साइड की चौड़ाई जो है 30 इंच रखी थी, जिससे मैंने पीछे से 0.25 इंची की बैक लगाई है, तो ये अब 0.31 हो गया है। दोस्तों इसमें मैंने गद्दे की जगह 6 फीट 2 सूत रखी है और ये 3-3 इंच की दोनों साइडें लगाकर इसका बाहर बाहर का साइज हो गया 78 इंची 2 सूत। ये देखिए दोस्तों 78 इंची 2 सूत इसका साइज है बाहर बाहर, और जिसमें मैंने ये 3-3 इंच की साइडें ली हैं, तो बीच में हमारे लिए गद्दे की जगह बचेगी 6 फीट 2 सूत। दोस्तों इसकी बैक साइड की हाइट मैंने टोटल 3 फीट रखी थी, जिससे मैंने 12 इंच की हाइट पे इसका टॉप लगा दिया है। अब पीछे ये 2 फीट जगह बची है। अब इस पे 6 इंच का गद्दा आने के बाद 2+4 6 इंच का गद्दा आने के बाद ऊपर सिर्फ 18 इंच की बैक साइड बचेगी। दोस्तों इसकी हाइट मैंने 12 इंच रखी है। अब इस पे 2+4 इंच यानी टोटल हाइट इसकी हो जाएगी बैठने वाली सीट की हाइट 18 इंच। दोस्तों इस सोफे को खोलने के बाद इसकी बेड की जो लंबाई आएगी निकल कर वो 72.5 इंची आएगी और इसकी चौड़ाई भी 72.5 है। तो ये सोफ़ा कम बेड हमारा स्क्वायर साइज में तैयार हुआ है। अब हम इसमें किसी भी दिशा में पैर करके लेट सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसके जो बैठने वाला एरिया है यानी जितने हिस्से पे इसमें गद्दे लगेगी उसकी लंबाई हमने 72.5 इंच यानी 72.5 इंच करीब रखी, यानी 6 फीट 1/2 इंच। दोस्तों इस सोफा कम बेड में हमने 22-22 इंची के हेड के चैनल के दो साइड लगाए हैं। ठीक है, एक ए वाले पार्ट में दराज में और दूसरा बी वाले पार्ट में। दोस्तों हमने इसके दराज के नीचे ये 1.5 इंच हाइट के 6 व्हील वाले कैस्टर लगाए हैं, और इसी तरीके से हमने बी वाले पार्ट में 4 कैस्टर लगाए हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये वीडियो देखकर एक सोफ़ा कम बेड बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जाने से पहले जिन मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।